नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए निमंत्रण क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा के पूर्व अध्यक्षों और अध्यक्षों सहित देश भर के विभिन्न नेताओं को भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 28 मई को नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दोनों सदनों के सांसदों को भौतिक और डिजिटल दोनों रूपों में निमंत्रण भेजा गया है। एमएस धोनी की नजर 5वें आईपीएल खिताब पर है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2023 के फाइनल में पहुंच गई है। रोहित शर्मा ने सबसे अधिक 5 टाइटल मुंबई इंडियंस को दिलाए हैं। बता दें कि आईपीएल 2022 में सीएसके का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और टीम 9वें पायदान पर रही थी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा है कि प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट में ऑनलाइन सुरक्षा और भरोसे पर एक बड़ा खंड होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग बिना किसी भय और अविश्वास के इंटरनेट का उपयोग करें। उन्होंने यह भी कहा है कि डिजिटल इंडिया एक्ट बड़ी टेक कंपनी और स्टार्टअप्स के बीच किसी भी तरह के असममित संबंध को हल करेगा, ताकि इंटरनेट पर स्टार्टअप्स जो चीजें करना चाहते हैं उनकी विकृति को रोका जा सके। आज से 2000 रुपए के नोट बदलने की शुरुआत हो चुकी है। बैंकों के बाहर लोग 2000 रुपए के नोट को बदलवाने के लिए कतार में खड़े हैं। आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर 2023 के बीच 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज करवाए जा सकते हैं। साथ ही केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर पर बने रहेंगे, यानी आप 2000 रुपए के नोट से खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई 2000 रुपए के नोट लेने से आपको मना करता है तो आप इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों पर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के बारे में पहले और आज भी बातचीत की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण संबंधों को कोई भी आघात पहुंचाई हमें स्वीकार नहीं है। पीएम अल्बनीज ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया देश में सभी बैंकों में शुरू हो गई है। 2000 रुपए के नोट रखने वाले व्यक्ति अब या तो उन्हें बैंक से अन्य नोटों से बदल सकते हैं या अपने बैंक खातों में जमा करवा सकते हैं। हालांकि यदि आप एक ही ट्रांजैक्शन में 50,000 रुपए से अधिक जमा करते हैं तो आपको आयकर नियमों के अनुसार अपना पैन कार्ड अनिवार्य रूप से देना होगा। आयकर नियमों का नियम 114(b) के तहत यदि एक ही दिन में बैंक या डाकघर में नकद जमा 50,000 रुपए से अधिक है तो आपको पैन कार्ड की जानकारी देनी जरूरी है। दक्षिण भारत ने टीडीबी ने मंगलवार को आदेश जारी कर मंदिरों में राष्ट्रीय स्वयं सेवा की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। खास बात यह है कि टीडीबी के अधिकार क्षेत्र में दक्षिण भारत के करीब 1200 मंदिर आते हैं। बोर्ड ने मंदिरों से सख्ती से इस आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है। अध्यक्ष ने संघ की शाखाओं पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब नया पासपोर्ट बनवाना है, लेकिन इसमें एक अड़चन है। दरअसल राहुल गांधी को पासपोर्ट बनवाने के लिए अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। इसके लिए राहुल गांधी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि संसद से सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। बिहार से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की रवानगी 21 मई से शुरू हो गई है। हज यात्रा पर कई पॉइंट से यात्री जा रहे हैं। कोलकाता से पहले दल रविवार को रवाना हो गया, जबकि बिहार के गया से पहला दल 7 जून को रवाना होगा। ऐसे में लोगों के मन में शंका है कि उन्हें हज यात्री को 2000 के नोट वापसी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसे लेकर बिहार हज भवन के सीईओ राशिद हुसैन ने बताया है कि हज यात्रा पर गए यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसको देखते हुए हर एयरपोर्ट पर मनी एक्सचेंज की सुविधा है। यहाँ वहाँ अपने पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। गोवा और उत्तराखंड ने केंद्र की देखो अपना देश पहल के तहत राज्यों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोंटे ने कहा है कि यह कदम अरब सागर को गंगा नदी से जोड़ेगा। उन्होंने कहा है कि गोवा और उत्तराखंड देखो अपना देश कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले पहले भारतीय राज्य बन गए हैं, जिसका उद्देश्य नागरिकों को देश की समृद्ध विरासत और विविध संस्कृति को देखने और अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज़ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध T20 मोड में आ गए हैं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। ये आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और सभी फैंस को आमंत्रित भी किया है। बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी 60,000 श्रम योगियों का भी सम्मान करेंगे, जिन्होंने संसद भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया है। अमित शाह ने बताया कि नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। नई संसद में राजदंड को स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब होता है कि संपदा से संपन्न जिस दिन राष्ट्र को समर्पित होगी, उसी दिन तमिलनाडु से आए विद्वानों द्वारा राजदंड प्रधानमंत्री को दिए जाएंगे। फिर संसद में ये परमानेंट स्थापित की जाएगी। शाह ने बताया कि राजदंड इससे पहले इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया था।
पीएम नरेंद्र मोदी देश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन करेंगे, लेकिन इससे पहले ही इस कार्यक्रम का 19 विपक्षी दलों ने विरोध कर दिया है। 19 विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है। विपक्ष ने कहा है कि लोकतंत्र की आत्मा को नई संसद से निष्कासित कर दिया गया है, हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम के बहिष्कार पर बुधवार को कहा कि भारत सरकार ने सभी दलों से कार्यक्रम में शामिल होने की विनती की थी, सब लोग आएंगे, यही हमारी भावना है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह के करीबियों के घर पर ईडी की टीम आज बुधवार को छापेमारी कर रही है। सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उनके सहयोगियों के परिसरों पर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। गुटखा पान मसाला खाने वालों के लिए बुरी खबर है। दरअसल तमिलनाडु राज्य में गुटखा पान मसाला खाने वालों की खैर नहीं होगी। सरकार ने एक बार फिर राज्य में तंबाकू उत्पाद पर लगे बैन को बढ़ाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि इस प्रतिबंध का फैसला पहली बार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत वर्ष 2006 में लागू किया गया था। इसी साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लगभग एक महीने बाद ये फैसला आया है। नीतीश कुमार में मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। श्रवण कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि गिरिराज सिंह जब से मंत्री बने हैं तब से केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को इंदिरा आवास योजना में कोई पैसा नहीं मिल रहा है। यूपी में कभी भी नई बिजली दर लागू की जा सकती है। वही ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने विद्युत नियामक आयोग को पत्र भेजकर 14.90% वितरण हानियों पर बिजली दर तय करने का सुझाव दिया है। G20 मीट में LG मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि कश्मीर अब हड़तालों और पत्थरबाजों की भूमि नहीं है। उन्होंने कहा कि 30 वर्षों तक शांति की इस भूमि को हमारे पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का शिकार होना पड़ा। बता दें कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आधिकारिक चरण मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ संपन्न हुआ, जहां उनके साथ मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और G20 के मुख्य समन्वयक हर्ष रिंगला थे। कंबाला कोंडा सेंचुरी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित, ये जगह बहुत खूबसूरत है और काफी बड़े इलाके में यह अभ्यारण फैला हुआ है। साल भर पर यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन अभी ये किसी और वजह से चर्चा में बना हुआ है। दरअसल यहाँ पर एक दुर्लभ प्रजाति का सांप देखा गया है। ये आकार में छोटा होता है और इसका मुंह भी बाकी प्रजातियों से थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। इस प्रजाति का नाम बारकुडिया लिम्बलेस स्किंक है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर अनंत शंकर को इस सांप के होने की जानकारी प्राप्त हुई। पहले तो वह हैरान हो गए कि दशकों पहले इस प्रजाति को लुप्त प्राय मान लिया गया था। उन्होंने बताया कि इस दुर्लभ प्रजाति की सुरक्षा के लिए तत्काल सारे उपाय लागू किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ कर दिया है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकना RBI के हाथ में नहीं है। CII के एनुअल मीटिंग में बोलते हुए RBI के गवर्नर ने कहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी आगे की स्थिति पर निर्भर करेगा। वहीं महंगाई पर बोलते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि महंगाई की स्थिति को लेकर लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। महंगाई कम करने के लिए RBI लगातार प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र के लिए सेवाएं देते हुए पिछले साल अपनी जान गंवाने वाले 3 भारतीय शांति सैनिक उन 103 सैन्य पुलिस और नागरिक शांति सैनिकों में शामिल हैं, जिन्हें उनकी सेवा और कर्तव्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा। 3 भारतीयों में सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सामला राम विश्नोई शामिल है, जिन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संगठित स्थिरीकरण मिशन के साथ काम किया। वहीं साबिर ताहिर अली इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के तौर पर बतौर नागरिक कार्यरत थे। चुनावी रेवड़ियां यानी फ्रीब्रिज को लेकर देश भर में कई मत है। चुनाव आयोग के अनुसार फ्रीब्रिज को कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है, तो RBI के मुताबिक वे योजनाएं जिनसे क्रेडिट कल्चर कमजोर होता है, सब्सिडी की वजह से कीमतें बिगड़ती हैं और लेबर फोर्स भागीदारी में गिरावट आती है, वो फ्रीब्रिज होती है। जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बकाया बिल और लोन माफी और किसान लोन माफी जैसी चीजें फ्रीब्रिज में आती हैं। फ्रीब्रिज का मामला देश की सबसे बड़ी कोर्ट में है। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर जून में अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर आएंगे। बाइडेन दंपति 22 जून को राजकीय भोज पर भी मोदी की मेजबानी करेंगे। भारतीय अमेरिकी समुदाय के कई अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री की यात्रा का स्वागत किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का सबसे बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में होगा। 21 जून को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 20 और 21 जून को महाकौशल या बुंदेलखंड इलाके में बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश को नए संसद भवन की जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री को उद्घाटन नहीं करना चाहिए, नई संसद का उद्घाटन स्पीकर को करना चाहिए। विपक्षी पार्टी ने मुझसे संपर्क नहीं किया क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं। अगर स्पीकर उद्घाटन करेंगे तो मैं समारोह में जाऊंगा।
आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया ने नई दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। सिसोदिया ने पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी पत्नी की सेहत पहले से बेहतर हो गई है। संजय राउत ने कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कोरोना काल में सरकारी तिजोरी पर भार डालने जैसा है। दिल्ली में चीजें गांधी परिवार द्वारा शुरू की गई नामों की फहरिस्त में है, उस नाम को दबाने की कोशिश है। पुरानी इमारत ऐतिहासिक है और अभी 100 साल टिकेगी, नई इमारत की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति को भी पीछे हटकर ये काम किया जा रहा है, उसका हमारा विरोध है। कांग्रेस सहित सभी विरोधी पक्ष इसका बहिष्कार कर रहे हैं। समीर वानखेड़े आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। सीबीआई ने आज तीसरी बार वानखेड़े को बीकेसी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था। कॉर्डेलिया क्रूज आयरन खान ड्रग्स केस में 25 करोड़ की फिरौती को लेकर समीर से सीबीआई दो बार पूछताछ कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हो रहे हमलों पर हमने पहले भी बात की और अब भी की है। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बिज़ ने कहा है कि वो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, संजय चौधरी, मोहम्मद साकिर हुसैन और नवनीत कुमार। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विपक्षी दल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।